हाय गाइस, आप देख रहे हैं मायापुरी कट। मैं हूं सृष्टि और स्वागत है आपका मायापुरी अपडेट्स पर, जहां पर हम आप तक बॉलीवुड की सारी खबरें पहुंचाते हैं। सो लेट्स बिगिन। शाहरुख खान और फारा खान 9 साल बाद फिर से एक साथ आने की तैयारी कर रहे हैं। दोनों ने आखिरी बार 2014 में आई फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में साथ काम किया था, जिसके बाद अब फिर दोनों एक साथ फिल्म करने जा रहे हैं। हालांकि इस बार ऐसा लग रहा है कि शाहरुख और फराह एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के तौर पर एक साथ काम करते नजर आएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख फराह खान की नई मसाला फिल्म को प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। रामचरण और उपासना कामिनेनी बेटी के पेरेंट्स बनकर काफी खुश हैं। 20 जून को उपासना ने बेटी को हैदराबाद के जुबली हिल स्थित अपोलो हॉस्पिटल में जन्म दिया था। सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। वहीं अब उपासना का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें डॉक्टर्स उन्हें डिलीवरी रूम में ले जाते नजर आ रहे हैं। वीडियो उनकी फ्रेंड ने शेयर किया है, जो कि लेबर रूम में जाने से पहले का है। इस वीडियो में उपासना काफी खुश और इमोशनल नजर आ रही है। द केरला स्टोरी को जहां समाज के एक पक्ष से विवादों का सामना करना पड़ा, तो वहीं दूसरी ओर समाज के ही दूसरे पक्ष ने फिल्म को काफी पसंद किया। अब इस फिल्म के मेकर्स फिल्म को ओटीटी पर लाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि ओटीटी पर अच्छी डील नहीं मिलने से सुदीप्तो सेन काफी निराश हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार सुदीप्तो सेन ने यह खुद बताया है कि फिल्म के लिए ओटीटी से उन्हें अच्छी डील नहीं मिल रही है। इससे परेशान सुदीप्तो सेन ने कहा है कि उन्हें लगता है कि इंडस्ट्री का एक वर्ग उन्हें उनकी इस सफल के लिए सजा देना चाहता है। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की फिल्म सत्य प्रेम की कथा 29 जून को रिलीज होने वाली है। इससे पहले कार्तिक और कियारा फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं। इसी बीच कार्तिक इंडिगो की इकोनॉमी क्लास में सफर करते दिखाई दिए, जिसे लेकर वो ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल नेटिजंस इसे कार्तिक की अपकमिंग फिल्म को प्रमोट करने का एक तरीका बता रहे हैं। कार्तिक आर्यन को इकोनॉमी क्लास में फ्लाइट में सफर करते देखा गया, जिसकी वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इससे यूजर्स ने एक्टर का पब्लिसिटी स्टंट बताया है। बॉलीवुड स्टार नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ अपनी पहली फिल्म टीकू वेट शेरू को लेकर अवनीत कौर सुर्खियां बटोर रही हैं। अवनीत ने इंडस्ट्री में एक लंबा सफर तय किया है। एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री में तब एंट्री की थी जब वो महज 8 साल की थी। अवनीत ने अपनी जर्नी, स्ट्रगल के दिनों सहित अपनी नई फिल्म के बिलबोर्ड की इमेज एक सीरीज शेयर की है सोशल मीडिया पर। अवनीत ने खुलासा किया है कि कैसे वो 12 साल पहले एक डांस रियलिटी शो में मुंबई आए थी और तभी उनकी जर्नी शुरू हुई। एक्ट्रेस ने यह खुलासा किया कि उनके पेरेंट्स ने कई सालों तक लंबे डिस्टेंस ट्रैवल किए ताकि उनके सपने पूरे हो सकें। सलमान खान और कटरीना कैफ की फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग पूरी हो गई है। इस बीच इस फिल्म को लेकर निर्माता कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अब खबर आई है कि निर्माताओं ने फिल्म के एक्शन सीन कोऑर्डिनेट करने के लिए हॉलीवुड एक्शन कोऑर्डिनेटर क्रिस बांस को बुलाया है, जिन्होंने इसके पहले हॉलीवुड की फिल्म एवेंजर्स एंड गेम पर काम किया था। खबर के अनुसार यशराज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स की फिल्म टाइगर 3 के एक्शन सीन काफी अच्छे होंगे। अब बस इंतजार है तो फिल्म की रिलीज का। शाहरुख खान को फिल्म इंडस्ट्री में 31 ईयर्स पूरे हो गए हैं। फिल्म दीवाना से डेब्यू करने वाले शाहरुख खान ने इन 31 ईयर्स में एक से एक धमाकेदार फिल्मों से दर्शकों का मनोरंजन किया और अपनी एक्टिंग से लोगों को अपना दीवाना बना दिया। बॉलीवुड में अपने एक्टिंग करियर के 31 ईयर्स पूरे होने के मौके पर शाहरुख खान ने ट्विटर पर आस्क एसआर के सेशन चलाया और अपने फैंस के सवालों का जवाब दिया। इसमें से ही एक फीमेल फैन ने शाहरुख से उन्हें बधाई देने के लिए कहा, क्योंकि वो जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली है। महिला ने ट्वीट कर ये भी बताया कि वो अपने बच्चों का नाम पठान और जवान रखेंगी। इस पर शाहरुख ने जवाब देते हुए लिखा, बधाई, लेकिन प्लीज उन्हें कुछ बेहतर नाम दे। एक्टर अभिषेक बच्चन ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताया कि 2016 में हाउसफुल 3 रिलीज होने के बाद उन्होंने ब्रेक लिया था। अभिषेक ने बताया कि उन्होंने साइंगिंग अमाउंट भी वापस कर दिया था। इंटरव्यू में अभिषेक ने कहा कि मैं बहुत खुश था, मुझे अच्छा काम मिल रहा था, अच्छा पैसा भी मिल रहा था, सभी फिल्में सुपरहिट हो रही थी, लेकिन मुझे पता था कि मैं खुद को पुश नहीं कर रहा हूँ। आगे उन्होंने कहा, आप किसी भी फिल्म को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि लोग आप पर मेहनत की कमाई लगा रहे हैं, आपको रातों की नींद छोड़नी होगी। कहीं ना कहीं ये वो कीमत है जो आप एक एक्टर के रूप में अपने गिफ्ट के लिए चुनते हैं।
विजय वर्मा और तमन्ना भाटिया पिछले काफी समय से अपने रिलेशनशिप को लेकर चर्चाओं में हैं। हाल ही में दोनों ने अपने रिलेशनशिप को कबूला है। अब ये कपल अपनी अपकमिंग वेब सीरीज लव स्टोरीज 2 के प्रमोशन में जुट गए हैं। हाल ही में जब विजय वर्मा ने वेब सीरीज का प्रमोशन करते हुए इसे परिवार के साथ देखने की सलाह दी तो सोशल मीडिया पर यूजर्स भड़क गए और विजय वर्मा को खरी खोटी सुना दी। विजय की बातें सुनने के बाद फैंस अब लव स्टोरीज 2 की टीम पर निशाना साध रहे हैं। जीनत अमान 70 और 80 के दशक में अपनी अदायगी और बोल्डनेस के लिए जानी जाने वाली एक्ट्रेसेस में से एक रही। उन्होंने इंडस्ट्री को कई हिट फिल्मों से नवाजा और हिंदी सिनेमा में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। एक लेटेस्ट इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने खुलासा किया है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कई बुरे दिन देखे लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। जीनत अमान ने अपने हालिया इंटरव्यू में जाहिर किया कि लोगों ने उनकी बुद्धि से ज्यादा उनकी खूबसूरती को तवज्जो दी और ये इंडस्ट्री का कड़वा सच है जिसे वो पहले से जानती थी और उन्होंने इसका पूरा फायदा भी उठाया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि उन्होंने ऊंचाइयां भी देखी हैं और उतार चढ़ाव भी देखे हैं। ना उनके ऊपर कोई एहसान रहा है और ना ही उन्हें किसी चीज का पछतावा है। जो भी शर्म या डर उनके मन में था वो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। आज मायापुरी अपडेट्स पर बस इतना ही। आगे की सारी चटपटी बॉलीवुड अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।